नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के सामने हम लोग मौजूद हैं और आज लखनऊ से जो बड़ी खबर आई है कि 2 साल बाद लोटन राम निषाद की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। 2 साल बाद ये लाल टोपी में लोटन राम निषाद दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या संदेश आज की मीटिंग के बाद लोटन राम निषाद की वापसी के बाद जाएगा? बहुत बहुत स्वागत लोटन जी चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। 2 साल बाद वापसी हुई, कैसे देख रहे हैं? आज जो है हमारी पुनर्वापसी जो हुई है, घर वापसी हुई है। आज अपने परिवार में आकर के मैं बहुत आह्लादित हूँ। लग रहा है कि इस परिवार से मैं दूर चला गया था, और आप जानते हो कि जब कोई परिवार से दूर जाता है, बिछुड़ जाता है, अब अपने परिवार के बीच में आता है तो उसे कितनी खुशी होती होगी। उस खुशी का एहसास लोटन राम निषाद आज कर रहा है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है NDA है ना, उसको पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अकलियत पसमानदा समाज को एकजुट करके उनकी वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके 2024 में भाजपा की विदाई करना है, एनडीए को धूल चटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। हम भाई जिस नेता के छत्र छाया में काम करने जा रहे हैं, तो कौन नहीं चाहता कि हमारा नेता, हमारा मुखिया देश का प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो हमारा लक्ष्य भी वही है कि हम अखिलेश यादव जी को देश की और प्रदेश की उच्च कुर्सी पर बैठाने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, लोटन राम निषाद जी तो मेहनत करके जो है समाज को गोलबंद करने का। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बीच में नफरत की भावना पैदा किया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर, दलित अति दलित के नाम पर, उस खाई को पाट करके मैं बहुजन की विषाद को मजबूत करने का काम करूँगा, जात को जमात में बदलने का काम करूँगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप की वापसी हुई है तो संजय निषाद के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पिछड़े दल के जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश में, पार्टियां उत्तर प्रदेश में, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, सब भारतीय जनता पार्टी। हमसे मर्दों की बात करिए, नपुंसकों की बात हमसे मत करिए, ऐसे छक्कों की बात मुझसे मत करिए जो समाज को गुमराह करके अपनी दुकान चलाने पे बात करे। तो किन्नरों से को मुंह लगाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मुझे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। जो हमारा मल्ला केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुरा बात है, माजी संजय निषाद नहीं लड़ रहा लड़ाई, समाज की लड़ाई, समाज को बेवकूफ बना दिया। अरे वो तीतर बटेर की कहानी सुनाते सुनाते, बहेलिया और कबूतर की कहानी सुनाते सुनाते खुद बहेलिया बन गया, और हमारे निषाद मल्ला केवट समाज को जो है ना ये कबूतर और तीतर बटेर बना करके शिकार करने का और अपने घर को केवल बढ़ाने का काम किया। तो संजय निषाद का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति शुरू करने वाले संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, आपने घोसी के भाई इलेक्शन में देख लिया ना, बड़े बड़े दावे थे, राम राज और निषाद राज की मित्रता नया इतिहास रचेगी। और मंगरुआ हमारा कहा कि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजवा दिया तो अपने असल बाप का बेटा नहीं। तो भैया वहाँ राजभर और चौहान निषाद समाज ने जो है दारा सिंह चौहान और प्रकाश राजभर संजय निषाद को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके सबक सिखा दिया, उनको बुखार चढ़ा दिया, रातों की नींद हराम कर दिया। अब इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। जिस समाज ने इनको माला फूल पहना करके स्वागत किया था, अब टूटा फूटा जूता चप्पल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब निषाद बस्तियों में, राजभर बस्तियों में ये नेता जाएंगे और इनको जो है ना उसी जूता और चप्पल से इनका स्वागत करेंगे। अच्छा अखिलेश जी लगातार PDA की बात कर रहे हैं, आज आप लाल टोपी में हैं, वापसी हुई है, क्या बातचीत अंदर हुई अखिलेश जी से? देखिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब तो लोटन राम निषाद हमारे साथ आ गए, अब जो है ना उन लोगों को मिर्चा लगाएंगे, उनके लंका में आग लगेगी। तो लोटन राम निषाद पर बहुत बड़ा भरोसा इन संकेतों से माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, और मैं जो मेरे प्रति उनकी भावना है, जो मेरी भूमिका है, मेरा जो कैरेक्टर रोल है, मैं उसको बखूबी निभाने के लिए अपने बहुजन वर्ग के लोगों का जो मत भ्रमित हुए हैं उनको, उनके मत भ्रम को दूर करके उनको जो है कि जाति से जमात में बदल करके और सारे लोगों को गोलबंद करके 2024 में भाजपा की विदाई करने के लिए हमें काम करना है। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि यादव को छोड़ के जितनी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौर्या हो, चाहे राजभर हो, निषाद हो, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। ये नफरत की राजनीति की है ना, 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करके हमारे लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बड़ी बारी मला के बट कुर्मी हो, धोबी हो, पासी हो, धरकार हो, बस फोड़ो, सबके अंदर नफरत की भावना पैदा की ना। अरे अखिलेश यादव जी ने तो विधानसभा के अंदर कहा, अरे जोगी जी 46 में 56 वाली सूचियां दे दीजिए ना, तो सूचियां काहे नहीं दे दिए। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 6 से अधिक SDM नहीं बने थे, और 2018 में कौन मुख्यमंत्री था? अखिलेश यादव थे कि योगी आदित्यनाथ थे, तो उस समय 10 SDM यादव हुआ, और अभी इस साल का जो परिणाम आया मई में
21 मई को उसमें हाथ यादव का बेटा एसडीएम हो गया, 27 को पीसीएस हो गया, आईएएस संघ लोक सेवा आयोग को क्रैक करके 34 तो यादव के बेटे और बेटियां आईएएस बन गए। तो भैया हम तो यही अपने समाज के लोगों से कहते हैं कि यादव से नफरत मत करो, यादव से प्रतिस्पर्धा करो, यादव हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाइयों की नकल करो, चमारों की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो और तुम प्रपंचों में मत पड़ करके जो है केवल जो है दुर्गा पंडाल लगाने से और जो है कवरिया बनने से समाज का विकास होगा। हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अनुच्छेद बनाया है 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना करा करके और अगर ओबीसी की आबादी भारतीय जनता पार्टी की गणना के अनुसार 54% थी और आज बढ़कर के 60 से अधिक हो गई है तो हमें कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में ओबीसी एससी एसटी के समानुपातिक हिस्सेदारी के लिए हम लोग जो है कि लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वह लड़ाई में तभी हम लोग सफल हो सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। आखिरी सवाल है मेरा, 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, क्या जिम्मेदारी अंदर से आपको चुनाव के लिए आगे के लिए मिली? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संकेत दे दिया ना वो संकेत ही बड़ा बहुत बड़ा है। लौटर राम निषाद अब स्वयं महसूस कर रहा है कि समाज को गोलबंद करने के लिए, भाजपा का पर्दाफाश करने के लिए, समाज को गुमराह करके, समाज को आगे करके, उनकी भीड़ दिखा करके, चंदाखोरी करके जो नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं उनकी असलियत को जनता के बीच में जाकर के बताना है और बहुजन वर्ग की एकता को कायम करना है। अब जाति की बात नहीं होगी, अब जमात की बात होगी, अब मनुस्मृति की बात नहीं होगी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात होगी और यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ लौटराम निषाद जी और लाल टोपी में दोबारा वापसी होगी, समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी हो गई है, लाल टोपी में दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की उस टोपी में दिखाई दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की पहचान है और कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हुई है 2 साल बाद और तमाम तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी की अध्यक्षता में वापसी लौटराम निषाद की हुई है। 2024 के चुनाव को लेकर कितना बड़ा संदेश लौटराम निषाद की वापसी को के लिए होगा और जो लगातार ये बात करते हैं पीडीए की, अब क्या पिछड़ा दलित को साथ लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो लौटराम निषाद ने उठाया को वापसी लेके समाजवादी पार्टी ने उठाया है कितना सही साबित होगा ये समय बताएगा। आप लोगों की क्या राय है लौटराम निषाद की समाजवादी पार्टी वापसी को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।